नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी, आणविक वेगों के प्रकार। आणविक वेग कितने प्रकार के होते हैं? आणविक वेग तीन प्रकार के जनरली डिफाइन किए गए हैं, वर्क माध्य मूल वेग, औसत वेग और प्रायिकता वेग, माने प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो तीनों नियम हैं, ये आणविक वेगों की जो गणना हम करते हैं वो मैक्सवेल के नियम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इसके समस्त अणों के वेग के वर्गों को औसत कर दिया जाता है अगर, तो वह रूट मीन स्क्वायर माने वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। यदि गैस के एन अणु का वेग क्रमशः C1, C2, C3 डैश 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 CN हो, तो ऐसी कंडीशन में वह C इजकल टू क्या होगा? C इजकल टू अंडर द रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डैश 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 CN स्क्वायर अपॉन N के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है R रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए जैसे हम बात करते हैं PV इजकल टू 1/3 mNc² जो हमारा आणविक वेगों के लिए ये समीकरण है। तो सी स्क्वायर इजकल टू 3PV/mN, तो C इजकल टू 3PV/mN इजकल टू 3PRT/m। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, PV इजकल टू NRT होता है, तो RT/m डिफाइन कर दिया, MN इजकल टू M के बराबर होता है, और ये होता है इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 1.7 RT/n के बराबर होती है। तो इसके द्वारा हम ये डिफाइन करते हैं, तो C इजकल टू क्या हो जाता है, 3PV/ अंडर द रूट ऑफ 3PV/mNV, Mn अंडर MN/VK के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला भी हमको तो याद रखना है कि इस रूट मीन स्क्वायर का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसके द्वारा वेलो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS, CRMS एवरेज मनी वेलोसिटी RMS, इसकी इस फार्मूले के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। यदि समस्त अणु के वर्गों की गुणनफल में यदि अणु की संख्या का भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं औसत, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या जिसको हम जनरली कहते हैं, औसत निकाल जाता है। तो इसके लिए इसको सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सी के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 CN/n। इससे जनरली जिसको बात कर सकते हैं कि ये सम होता है, सम होता है किसको, इसको सम होता है, इसमें इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी बार इजकल टू 1/(n0 to x) CdN, CdN वेलोसिटी, DN जितने अणु हो उनका, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to infinity इंटीग्रेशन लगा दिया हमने C/dN/n। dN/n का जो समीकरण है उसको हम आगे जाके इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 4πm/2RT(3/2), 1/2m/2RT² इस तरह हम इसको बोल सकते हैं, 8RT/πm=1.6 RT/m, या सी बार इजकल टू बोल सकते हैं 8PV/πm=8PV/d के द्वारा रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं। तो यह था हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब तीसरा आता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी मनी कि प्रायिकता वेग। किसी गैस के अधिकांश अणु का प्रायिकता वेग का को हम जनरली ए कहलाता है, मानी कि एक के द्वारा डिनोट करते हैं। इसकी गणना समीकरण में अलग अलग समीकरण उच्चस्ट हाइस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल लगा करके इसकी गणना करते हैं, प्राप्त परिणाम को शून्य के बराबर रखते हैं। मैंने 1/(n dN/dC)=4πm/2RT(2πRT/3/2) या EMC/2RT(c/2) जो हमने पिछले उसमें देखा कि उसके मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये बात हमने करी थी, या 4π/m इस इक्वेशन के द्वारा हम डिनोट करते हैं इजकल टू जीरो। इजकल टू जीरो इसलिए रखते हैं कि इसका जो टोटल एवरेज निकल के आता है वो लगभग जीरो होता है। उपरोक्त समीकरण में ए ई के बराबर होता है, अर्थात ए ई का मान शून्य होता है। तो क्या कर सकते हैं इसको, इसको MC(2 MC²)RT=0, तो C²=2RT/m, सी को इजकल टू ए अर्थात 2RT/m=1/4 मनी RT/m जिसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं। C इजकल टू ए मनी 2PV/m=2P/d। ये जो निकल के आता है ये इसको बोलते हैं सी या ए के द्वारा रिप्रेजेंट। एक तो होता है हमारा CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर, एक सी बार होता है, एक सी होता है, सी भी कह सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसके द्वारा भी डिनोट करते हैं। अब तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ कि तीनों जो हमारे पास में जो सी, तीनों का अनुपात देख रहे हैं, सी
सी बार और ए, ये तो हो गया हमारे पास में आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी और ये प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, 3 RT/N अनुपात 8 RT/πm इक्वल 2 RT/m। इस तरह से इसको, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन कभी एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जाती है, तो इस इक्वेशन को इस तरह से हमें हम डिनोट कर सकते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, जनरली हम सी बराबर 3 RT/m के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी अणु के लिए वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको सी जी एस में इसका विमा निकालें हमें, तो इसकी सबकी वैल्यू रखने के बाद में सी इज्वल टू 1.579 × 10⁴ अंडर द रूट दो T/m सेंटीमीटर प्रति सेकंड के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ऐसा ही यूनिट में हम निकाल रहे हैं, तो 3/8 जो गैस नियतांक है आर प्रति लीटर में, इसको इज्वल टू 4.4994 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज्वल टू तो 4.994 अंडर द रूट ऑफ T/m मीटर प्रति सेकेंड, वहाँ पर हमने सेकेंड सेमी प्रति सेकेंड था, ये मीटर प्रति सेकेंड है द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम जैसे एग्जांपल लेके देखा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन गैस के अणु के वर्ग माध्य मूल वेग और प्रायिकता वेग की गणना करें, तो m 32 है क्योंकि ऑक्सीजन है, और टेम्परेचर कितना होगा 27 डिग्री, तो 273 प्लस 27 300 केल्विन हो गया। तो इसको निकालने के लिए सी इजल टू क्या करा, 1.58 × 10⁻ T/m, इन दोनों की वैल्यू पुट ऑफ कर दी, वैल्यू पुट ऑफ करते क्या आ गया, ये हमारे पास में कौन सा आ गया, वर्ग मध्य मूल वेग इस सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ गया। इसी तरह से और एवरेज निकालना है, तो एवरेज ये वाला वेलोसिटी हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई सी पर इसको मल्टी, और प्रायिकता वेग हमें निकालना है, तो ए इजकल टू एट 0.814 मल्टीप्लाई बाई सी, तो सी से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर। तो इस तरह का अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम इसके द्वारा, इस आसानी से इस उदाहरण के द्वारा पुट अप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और ले रहे हैं हम लोग, जैसे किसी ताप पर मेथेन की प्रायिकता वेग एथेन से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आरएमएस निकालना है, वेग निकालना। एथेन का अनुभार कितना होता है 30, मेथेन का कितना होता है 16, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों का वर्ग माध्य 3 RT/m इक्वल टू, ये वैल्यू पुट अप करते 3R हो गया, और मेथेन के लिए क्या हो गया, ये प्रायिकता वेग, ये वैल्यू पुट अप कर दी हमने, वेटो पुट अप करते ही इस तरह से ये क्या आ गया, टी इक्वल टू कितना आ गया, ये 240 केल्विन के रूप में हमें रिप्रेजेंट कर जाता है। तो इस तरह से हम तीनों जो वेग है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से तीनों जो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ से इस क्वेश्चन बनता ही बनता है, उस क्वेश्चन को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। थैंक यू।